हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अक्सर मैं रात में ही शूट करता हूँ क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पाती है, क्योंकि काम में चल जाता हूँ, दिहाड़ी काम करता हूँ इसलिए। और देखिए, ये सोनी जी भी सजरी सवर रही है। हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, गुड इवनिंग सबको। और इतना सारा बाल गिर गया। सोनी जी का खजाना देखिए, जमा करके रखी है। देखिए, अब इतना गिर रही जा रहा है, इतना सारा तो क्या करेंगे बोलो। डेली इतना इतना निकल जाता है तो कहाँ फेंके, रख दे। तो इसी तरह हमारा दिनचर्या चल रहा है। बाजार में हम लोग जाएंगे हीरापुर मार्केट, और हीरापुर मार्केट में सोनी जी का एक पहनने वाला कपड़ा लेंगे। मतलब वो ड्यूटी वगैरह करने वाला होता है, नाम एग्जैक्टली मैं नहीं जानता हूँ, सोनी जी आपको बताएंगे। लेकिन वो तो अभी व्यस्त है, थोड़ा मेकअप कप करने में, पाउडर लगा रही है और क्या क्या लगाती है पता नहीं। हाँ तो दोस्तों, अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं। एक्चुअली मैं इनको नाम नहीं पता था, वो इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया था तो उसी के लिए चाहिए। वो तो ड्यूटी ड्रेस है जिसको एप्रन बोलते हैं, तो वो छूट गया दिल्ली में ही, जल्दीबाजी में वो भरना भूल गए थे, तो वो तो ज़रूरत है अभी बहुत, तो इसी के लिए उसको लेना ज़रूरी है, इसीलिए जा रहे हैं। देखते हैं अब मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं पता, यहाँ का आइडिया भी नहीं है कौन से दुकान में मिलेगा नहीं मिलेगा, देखते हैं जाके। मार्केट काफ़ी भीड़ भाड़ है, देखिए स्टॉल सब लगा हुआ है इधर कपड़े का। भाई साहब, हम लोग पहुंच गए हैं, यहाँ पे मार्केट है, इसी में दुकान है, यहाँ ऊपर में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे रेक्स टेलर है, यहीं पे हम लोग को जाना है अभी, तो वहीं पे देखते हैं वहीं मिलता है कि नहीं, जाके पूछ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। तो इधर से रास्ता है, इधर से जाने का, रुके दिखाते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग एक बार आ चुके हैं पहले यहाँ पे शायद, तो पूछते हैं कि आज खुला है या बंद है, उसका भी पता नहीं, पहले भी एक बार आ चुके हैं। थोड़ा ऊपर जाने पड़ेंगे यहाँ पे सीढ़ी से। सोनी जा रही है ऊपर, आगे आगे मैं उसके पीछे हूँ, तो देखते हैं। दुकान तो बंद है, तो हम लोग देखते हैं दूसरा दुकान कहीं से, सब पूछते हैं यहाँ पे वो मिल जाए तो। अब क्या करें बताओ, यहाँ तो बंद है तो देखते हैं दूसरी जगह जाके, क्योंकि पता नहीं है यहाँ पे कहाँ कहाँ मिलता है, ये बस यही का पता था, तो जाके पूछते हैं अगल बगल वालों से, जहाँ पे यूनिफॉर्म सब मिलता है वहाँ पे रह सकता है, तो जाके देखते हैं। आखिरकार हमें एक दुकान मिल ही गया, तो देखते हैं वहाँ पे मिलता है कि नहीं। यहाँ पे गुटलग नाम करके धनबाद का ये दुकान, वहाँ पे देखे सोनी जी के ये पूछने के लिए, और बताएं भैया कि मिलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको ये दुकान। एक्चुअली में मुझे भी इसका नाम पता नहीं था, इसे क्या कहते हैं, तो सोनी जी ले रही है। अब क्या है इसका प्राइस होगा ये तो भैया जी बताएंगे। दो रुपया वाला पेन देखो, अगर ड्रेस पहन के चेक कर रही है या उसका अटका है कि नहीं। काफ़ी शोर है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ है, और आज पता नहीं कौन सा दिन है, आज काफ़ी दुकान भी बंद है। मिल गई तो काफ़ी, एक कल इंटरव्यू है तो इनका ज़रूरत था, इसलिए हम लोग आए थे यहाँ पे लेने के लिए।
लोग अगर कोई व्यूवर्स यहाँ पे देख रहे हैं धनबाद के, तो आप लोग ड्रेसेस ले सकते हैं। खाली रखते हैं जिसे स्कूल ड्रेस नहीं रखते, वाइट कुर्ती रखते हैं, वाइट लेगिंग रखते हैं जिसे ड्रेस के लिए, वाइट पटियाला पजामा हुआ, और ऐसे फैंसी आइटम तो सारा। आखिरकार हमने ले लिया है और हम जा रहे हैं अब घर की ओर, तो चलते हैं और रास्ते में क्या मिलते हैं, अगर सब्जी वगैरह तो लेते हुए जाएंगे। चलते हैं, आगे का व्यू देख सकते हैं आप। ये देखिए आगे आगे रिक्शा जा रही है। भैया जी थोड़ा सा साइड होके थोड़ा हमें भी रास्ता दीजिए। अब देखिए काफ़ी रिक्शा इधर चलती है अभी भी हमारे धनबाद में, जो पैडल वाली होती है, और यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा सब्जी मार्केट की ओर। कुछ सब्जी लेना है, सब्जी हमारा ख़त्म हो चुका है। शाम के टाइम काफ़ी भीड़ रहती है। चले आगे देखते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं इधर से ये मेन रोड की ओर। फिर सब्जी मार्केट जाएंगे। थोड़ी सी केले ले रहे हैं, देखते हैं। अब हमें यहाँ पे 40 रुपये दर्जन मिल रही है। आप जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। सुभाष चौक को पास कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और सुभाष चौक इसके बाद आएगा हमारा सब्जी मंडी। देखिए ये लेडी यहाँ पे पत्ते सब बेच रही है, और भैया जी लहसुन मिर्चा बेच रहे हैं। ऑलमोस्ट हम धनबाद के ये सब्जी मंडी में पहुंच गए हैं, और जा रहे हैं आलू के दुकान किधर है, ठीक है। तो आप लोग लगे बने हुए रहिए हमारे साथ, और यहाँ पे सोनी जी यहाँ पे आलू देखने लग गई है। हम देख रहे हैं यहाँ पे आलू। नमस्ते भैया, कैसे दे रहे हैं आलू? लाल वाला 24 रुपये का है ना? दोनों से लेते हैं। नींबू नींबू भैया जी आलू सब बेचते हुए फैन का हवा भी खा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा देख देख के ताज़ा वाला सब चुनिए। हाँ उधर साइड वाला, साइड वाला। हाँ 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 वही ला रखिए ना जी। हाँ ठीक। अभी सोनी जी नेनवा ले रही है, 30 रुपया किलो भी मिल रही है नेनवा इधर हमारे धनबाद में। देखिए ये एक फेक्सा ले रही है, काफ़ी इधर महंगी हो गई है अभी फ़िलहाल। अभी तो 30 रुपया किलो बता रहे हैं, और कुछ दिन पहले 50-60 रुपया हुआ करती थी, तो थोड़ा सा तो सस्ता हुआ है। देखिए यहाँ पे अभी दिखा देते हैं आपको पीछे का, ये सब्जी मंडी है। 30 रुपये दे रहा है सब्जी मंडी, बस इतना हम लोग ले लिए हैं, और नेनवा ये ले लेते हैं, बाकी हमारा तो हो गया। अब हम चलेंगे घर इसके बाद। अब हम लोग ले लिए हैं सारा सब्जी उब्जी भी, और लोग जाते हैं घर अभी। सारा बाकुड़ा पटल यहाँ पे बेच रहे हैं, बाकुड़ा का पटल 60 रुपया किलो हो गया है। अभी बारिश हुई है लगातार अभी यहाँ पे, तो थोड़ा सा महंगी हो गई है सब्जी सब, आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो
सर मार्केट में आप रहना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपके पास अगर जॉब नहीं है, काम नहीं है तो कर सकते हैं। अभी तो हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो किसी तरह काम चल जाता है। चलिए निकलते हैं और मिलते हैं सीधे घर में, बहुत आगे अंधेरा है तो आगे का हाल मैं आपको घर में बताता हूँ। तो हम लोग आ गए घर, सब कुछ लेके, एप्रन लिए, उसमें पड़ गया लगभग कितना, 300 रुपया ले लिया। फिर एक ये दवाई भी लेना पड़ा हमको, क्योंकि थोड़ा सा पैर में मेरा फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए दवाई लेना पड़ा। दवाई भी बहुत महंगा है, 100 रुपीज़ का है। और थोड़ा सब्जी ले लिए हम लोग, और काफ़ी टाइम के बाद केला ली हाफ दर्जन, है ना, बहुत टाइम हो गया ना, काफ़ी पैसा भी खर्च हो गया, लेकिन क्या करें, ज़रूरी था वो लेना, इसीलिए लेना पड़ा, नहीं तो फिर नहीं लेते। अभी घर आ गए लेके, अभी जस्ट आए हैं। और हम रास्ते का इसलिए नहीं लिए हैं कि बहुत ही कादा और कीचड़ सब है तो मोबाइल पकड़ेंगे कि इधर रास्ता देखेंगे, इस वजह से हम कुछ नहीं उधर का शूट किए आने जाने वाला रास्ता में। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, और आप लोगों से यही आशा है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अगर हम लोग कुछ भी मैंने हम लोग कुछ मैंने हिदायत देना चाहते हैं और कुछ कुछ भी आप लोग को जो कुछ मतलब अगर कुछ पूछना है या कुछ मतलब अपने तरफ से कुछ बताना है, हम लोग को सलाह देना है तो आप लोग दे सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि सपोर्ट के बिना कुछ है नहीं हमारा, तो थोड़ा सा आप लोग से सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, सब लोगों को गुड नाइट। और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, और हम लोग भी कोशिश करेंगे अच्छे से रहने का। जोहार, गुड नाइट, जोहार।